हेलो दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट और सभी टेक्निक्स को आप अप्लाई कर रहे हैं। आज मैं एक और नई टेक्निक आपके सामने लेकर के आया हूँ, जिसे मैं कहता हूँ 55-5-55-30 टेक्निक। इस टेक्निक को जरा ध्यान से समझते हैं, और उससे पहले हम समझते हैं कि जो हमारी लाइफ है वो ऑस्किलेटिंग होती है, कभी भी लीनियर नहीं होती है। दोस्तों, लाइफ इज़ फुल ऑफ रिदम्स एंड साइकिल्स। हमारी ज़िंदगी में हर जगह आपको रिदम दिखेंगे और साइकिल्स दिखेंगे, और जब हम इन रिदम्स और इन साइकिल्स को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं तो उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हमारी लाइफ में दिखने लगते हैं, प्रोडक्टिविटी में दिखने लगते हैं, हेल्थ में, रिश्तों में और बिजनेस में, इनकम में, हर जगह नेगेटिव इम्पैक्ट इसका दिखता है अगर हम इस रिदम और इन साइकिल को फॉलो नहीं करते। देखिए, हर जगह रिदम है। आपकी हार्ट बीट एक रिदम में चलती है, आपकी सांसें एक रिदम में चलती है, आपका जो ब्लड शुगर का लेवल है उसका एक रिदम कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो आप देखिए कि हर जगह कितना सारा रिदम है जो कि आपके शरीर में कंटिन्यूसली चल रहा है। सर्केडियन रिदम्स हैं, ल्यूनर रिदम्स हैं, जो मून का मूवमेंट है उस मून के मूवमेंट से ह्यूमन बॉडी पे इम्पैक्ट आता है, स्पेशली वुमेन बॉडी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द मून। और सर्केडियन रिदम जो है, जो अर्थ अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है, उसकी वजह से दिन होते हैं, रात होते हैं। जो अर्थ अपने सन के अराउंड रोटेट करती है, जिसकी वजह से सीजनल चेंजेस होते हैं। तो हर जगह एक रिदम फिक्स है कि गर्मी होती है, बरसात होती है, सर्दी होती है, रात होती है, सुबह होती है। ये सब रिदम्स जो हैं ये हमारी बॉडी में भी हैं और एनवायरनमेंट में भी ये रिदम्स हैं। तो हर जगह आप जहां लाइफ को देखेंगे, लाइफ एक ऑस्किलेटिंग लाइफ है। हम वेकिंग स्टेट में जाते हैं, स्लीपिंग स्टेट में जाते हैं, इवन आपकी ब्रेन में भी रिदम है, साइकिल्स हैं। आपका ब्रेन अल्फा में होता है, बीटा में होता है, थीटा में होता है, डेल्टा में होता है। चार स्टेट्स में आपका ब्रेन साइकिल करता रहता है, चार स्टेट्स में आपका ब्रेन रिदम में रहता है। जैसे कि जब सुपर एक्टिव स्टेट है तो बीटा साइकिल एक्टिवेटेड है, जिसमें 14-21 थॉट्स पर सेकंड आप रिलीज कर रहे हैं। फिर आप स्लोली शिफ्ट होते हैं अल्फा साइकिल में, अल्फा स्टेट में, जहाँ पे आप 7-14 थॉट्स पर सेकंड रिलीज कर रहे हैं। देन आप थीटा स्टेट में चले जाते हैं, थीटा स्टेट में आप 4-7 थॉट्स जनरेट कर रहे हैं। और जब आप डेल्टा में जाते हैं तो 1-4 आपकी डेल्टा स्टेट में होती है, जो कि डीप स्लीप का स्टेट है। थीटा स्टेट ड्रीम स्टेट है, अल्फा जस्ट सोने से पहले जो स्टेट आती है वो अल्फा है, और जो आप लाइव हैं वो आपकी बीटा स्टेट है। तो आपका जो ब्रेन है वो भी साइकिल्स में चलता है। आपकी ब्रीदिंग, आपकी हार्ट बीट, आपका ब्लड शुगर, इवन द एनवायरनमेंट अराउंड यू, हर चीज़ एक रिदम में है और एक साइकिल में है। इवन आप नींद भी साइकिल में लेते हैं। मैंने पहले भी बताया कि 90 मिनट के 5 साइकिल आप कंप्लीट करते हैं, उस रिदम में आपकी नींद होती है। तो दोस्तों, द नेचर ऑफ लाइफ इज रिदमिक, द नेचर ऑफ लाइफ इज साइक्लिक, नेचर ऑफ लाइफ इज ऑस्किलेटिंग। और जब हम लीनियर काम करने की कोशिश करते हैं तो हम इस ऑस्किलेशन को या फिर इस रिदम को ऑनर नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, टोनी शॉर्ट्स ने यह बताया कि जो रिदम है हमारे, जैसे स्लीपिंग रिदम है 90 मिनट के, वैसे ही हमारी बॉडी में अल्टरेडियन रिदम होते हैं। जैसे ल्यूनर रिदम है, सर्केडियन रिदम है, स्लीपिंग रिदम्स हैं, वैसे ही अल्टरेडियन रिदम्स होते हैं। अल्टरेडियन रिदम्स क्या हैं कि दिन भर आपका जो एनर्जी का लेवल है वो भी अप एंड डाउन होता है, एक वेव की तरह। ये देखा गया है कि 90 मिनट से लेके 120 मिनट के बीच में, एवरी 90 मिनट टू 120 आपकी एनर्जी हाई रहती है और इसके बाद में एक लो आता है। तो यानी कि आपकी जो एनर्जी है वो भी एक वेव की तरह चलती है, कि एक उसका हाई आता है और फिर एक उसका लो भी आता है। तो इट्स मूविंग लाइक अ वेव, जहाँ पे स्पाइक आ रही है और फिर बाद में वो स्लोली डिग्रेड भी होने लगती है। तो ये जो अल्टरेडियन रिदम है, दैट 90 टू 120 मिनट के बाद में आपकी एनर्जी लेवल डिप होती है। एनर्जी डिप हो रही है, इसका मतलब क्या होगा? आपका सेल्फ कंट्रोल, आपकी विल पावर, आपका फोकस, सब कुछ, आपकी मेंटल परफॉर्मेंस, ये भी डिम होगी। और ज़्यादातर लोग लीनियर काम करने की कोशिश करते हैं, और जब आप लीनियर काम करते हैं विदाउट ब्रेक्स, विदाउट रिकवरी, तो आप अपने सिस्टम को डैमेज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने सिस्टम को रिकवर होने का टाइम नहीं दे रहे। तो ज़्यादातर लोग जो अनप्रोडक्टिव हैं, वो हार्डवर्किंग होने के बावजूद अनप्रोडक्टिव हैं। बहुत से लोगों को ये लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ, इसका मतलब मेरे को ज़्यादा सक्सेस मिलनी चाहिए। मगर दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर आप ज़्यादा काम कर रहे हो लेकिन अगर आप रिकवरी टाइम नहीं दे रहे हो, तो आपकी प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होगी।
आप इसको सिर्फ एक मसल की तरह देखिए कि आप अगर जिम में जाकर के रोज सिर्फ बड़े डंबल्स और आपके रेपिटेशन लगाते रहोगे, बड़े वेट्स उठाते रहोगे, अपनी मसल को स्ट्रेस दोगे, लेकिन उस स्ट्रेस के बाद में उसको अगर रिकवर नहीं होने दोगे और हर रोज सेम मसल को आप अगर स्ट्रेस दोगे तो वो मसल टियर हो जाएगी, वो ब्रेक हो जाएगी। तो दोस्तों आपका जो रिकवरी है, जो रेस्टिंग है, जो रिन्यूअल आपका है, वो भी आपकी एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बहुत से लोग ऑस्किलेटिंग नेचर को, इस रिदम को रिस्पेक्ट नहीं करते और कंटिन्यूसली काम करने की कोशिश करते हैं। इससे होगा ये कि आपके रिन्यूअल ना होने की वजह से, री एनर्जाइज, रिचार्ज ना होने की वजह से आपका सिस्टम स्ट्रेस में चला जाएगा और आप बिना रिकवरी के अगर ज़्यादा काम करते रहेंगे तो आप कंटिन्यूस स्ट्रेस और कंटिन्यूस टेंशन और कई बीमारियों से भी आप गुजरने लगेंगे। ब्रेन फॉग, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिसीजन फटीग, ये सब चीज़ें कई बार लैक ऑफ रिन्यूअल, लैक ऑफ रिकवरी का नतीजा होता है। तो एग्जैक्टली जैसे आपकी मसल काम करती है कि अगर आपने इस पर बहुत सारा स्ट्रेस दिया है तो अब आपको उसे रिकवरी का टाइम देना पड़ेगा ताकि वो अच्छे से रिकवर हो और फिर आप वापस अपनी एक्सरसाइज चालू कर सकते हैं। तो जो अल्टरनेटिंग रिदम है वो ये कहता है कि एनर्जी में अप आ रहा है और डिप आ रहा है, तो जिस समय डिप है उस समय हमें हमारे सिस्टम को रिकवर होने का समय देना चाहिए, रेस्ट उस समय लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपकी एनर्जी रिकवर हो, आप रिन्यू हो, आप रिचार्ज रहें। तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला आप लोगों के लिए ये दिया है कि आप पहले 55 मिनट फोकस्ड काम कीजिए। 55 मिनट तक फोकस्ड काम करने के बाद आप 5 मिनट के लिए सिर्फ कुछ मूवमेंट, कुछ दूसरा काम नहीं करना है, मल्टीटास्किंग नहीं करनी है, 5 मिनट आप थोड़ा सा मूव कीजिए, कुछ स्टेप्स वॉक करके आ जाइए, थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लीजिए। मैंने आपको पहले भी बताया कि हर 45 से 50 मिनट में आपकी बॉडी को मूवमेंट की क्रेविंग होती है, यानी कि अगर आप बैठे बैठे अपनी डेस्क पे काम कर रहे हैं तो 55 मिनट्स में आप बॉडी को एक मूवमेंट की क्रेविंग होने लगी है। एनर्जी लेवल अभी डिप नहीं हुआ है लेकिन मूवमेंट की क्रेविंग होने लगी है, तो 55 मिनट काम करते ही आप 5 मिनट का ब्रेक लें। इस ब्रेक में आप क्या करेंगे, सिर्फ मूवमेंट करेंगे और 5 मिनट का ब्रेक करके, स्ट्रेचिंग करके, यॉन करके, मूव करके अब आप फिर से अगले 55 मिनट तक काम करेंगे, यानी कि 110 मिनट, जो कि 90 से 120 के बीच में आ रहा है, यानी कि 110 मिनट जब होगा आपको, आपकी एनर्जी अब डिप होने लगी है, अब इस मोमेंट पे क्या करेंगे, आप अपना काम बंद करेंगे और अब आप 30 मिनट का रिकवरी टाइम लेंगे और रेस्ट टाइम लेंगे। ये 30 टाइम लेजीनेस का टाइम नहीं है, एंटरटेनमेंट का टाइम नहीं है, इनफैक्ट आप इस 30 मिनट में अपनी बॉडी को रिकवरी करेंगे, अपनी एनर्जी लेवल्स को आप रिन्यू करेंगे। ये किस तरीके से हो सकता है, आप अपना रिकवरी रिचुअल बनाइए। ये जो 30 मिनट का रेस्ट है यहाँ पे आपको अपना रिकवरी रिचुअल आप बनाएंगे। मैं आपको कुछ ऑप्शंस दे देता हूँ, उसमें से 2 या 3 आप चुन लीजिए कि जब भी आप 30 मिनट के ब्रेक ले रहे हैं, 110 मिनट का फोकस्ड वर्क आपने किया और अब आपने 30 मिनट का ब्रेक लिया, तो उस 30 मिनट के ब्रेक में आप सबसे बढ़िया कर सकते हैं, दैट इज पावर नैप। आप पावर नैप ले सकते हैं। सेकंड, आप रिलैक्सेशन कर सकते हैं, यू कैन डू प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, PMR जिसे मैं कहता हूं। मैंने अपने दूसरे कोर्सेज में, स्पेशली जो स्ट्रेस का कोर्स मैंने आपको दिया है, उस स्ट्रेस के कोर्स में प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक मैंने और डेप्थ में समझाई है, आप वो कर सकते हैं। पावर नैप आप ले सकते हैं, रिलैक्सेशन कर सकते हैं, यू कैन डू ब्रीदिंग, आप ब्रीथ करके ऑक्सीजनेट कीजिए अपनी बॉडी को, थोड़ा ऑक्सीजन उसके अंदर जाने दीजिए। आप स्मॉल मील भी ले सकते हैं, कुछ छोटा सा खाने के लिए जो कि हेल्दी है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स या गुड फैट आपने ले लिया, स्मॉल मील भी आप इसमें ले सकते हैं। तो देखिए, पावर नैप, रिलैक्सेशन, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, ब्रीदिंग कर सकते हैं और या फिर स्मॉल मील ले सकते हैं, छोटा सा एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, यू कैन डू स्मॉल एक्सरसाइज, लाइट एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, या फिर कोई वॉक पे आप चले गए, या फिर एक वॉक आपने कर ली, मूवमेंट आपने कर लिया, अब ये चीज़ें आपको कंप्लीटली रिकवरी में मदद करेंगी। यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि आपको टोटल डिसंगेज होना है, यानी कि जो हमारा
पॉजिटिव इमोशन और लो एनर्जी क्वाड्रेंट है, उस क्वाड्रेंट में जाना है और उस क्वाड्रेंट में समय बिताना है। अगर आपके ऑफिस में सुविधा है तो यू कैन हैव मसाज एज वेल, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड इन हेल्पिंग यू रेजुविनेट। लो एनर्जी हाई पॉजिटिव इमोशन वाले क्वाड्रेंट में आप रिकवरी करेंगे और वहाँ से आप फिर से हाई एनर्जी पॉजिटिव इमोशन क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। तो दोस्तों ये रिकवरी रिचुअल हैं जो आपको आपके सिस्टम को रिचार्ज करने में मदद करेंगे। ध्यान रखिए, इसमें मूवी देखना, टीवी देखना, वीडियो गेम पे टाइम पास करना, सोशल मीडिया, ये सब रिकवरी में नहीं आएगा। रिकवरी इन सब चीज़ों से आप रिकवरी कर सकते हैं। और कम्प्लीटली जो काम आप कर रहे थे उससे डिसकनेक्ट हो जाना है आपको इस टाइम पे, बिल्कुल अलग जो सिर्फ रेजुविनेशन का काम है वो करना है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 55 मिनट फोकस्ड वर्क, उसके बाद में 5 मिनट का सिंपल वॉक और मूवमेंट, उसके बाद में 55 मिनट का फोकस वर्क एंड देन 30 मिनट का रिन्यूअल वर्क, रिचार्ज और अपने जो रिदम है, साइकिल्स हैं, उनको कम्प्लीटली ऑनर करना, उनकी रिस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप नेचर के रिदम्स के, जो आपके शरीर के नेचुरल रिदम हैं, उनको आप जब ऑनर करेंगे, उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, तो देखिएगा आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा गुना तेज हो जाएगी। सभी एथलीट्स, हाई परफॉर्मर्स बहुत समय लगाते हैं रिकवरी में और रिन्यूअल में। अपनी मसल को आप अगर रिकवरी का टाइम दे रहे हैं तो क्या होता है, आप मसल को स्ट्रेच करते हैं और फिर वो रिकवर होती है। इसे कहते हैं सुपर कंपनसेशन, यानी कि एक बार आपने अपनी मसल को ब्रेक किया तो अब अगली बार नई मसल्स बन के तैयार हैं उस वजन को उठाने के लिए। सुपर कंपनसेशन इसको कहा जाता है। और आप देखेंगे कि जब आप रिकवरी अच्छे से करेंगे तो आप रिदम्स को ऑनर करेंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। हमेशा ध्यान रखिए, लाइफ इज ऑलवेज ऑस्किलेटिंग। अगर आप ईजी मशीन में देखेंगे या फिर जब आप ईसीजी कराते हैं तो उस समय आपकी जो हार्ट बीट है वो हमेशा ऑस्किलेटिंग आती है, और जो मृत इंसान होता है, जो डेड इंसान होता है, उसी की जो पल्स है वो स्ट्रेट लाइन होती है। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट लीनियर पल्स इज डेथ, ऑस्किलेटिंग पल्स इज लाइफ। So honor the rhythms of life and you will enhance your productivity significantly. अब मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा नई टेक्निक के साथ। मेक श्योर आप इस पे अभी से एक्शन लेना शुरू कर दें। थैंक यू।